मिरन्दस्या ज्ञानांदना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरो वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागर जातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 9। मा सौरभि यात्र शुचो वेतो ते वृषलाद्वयम् मा रोदेर अम्बभद्रं ते कलानामयी शास्त्री। ट्रांसलेशन। ओ सन ऑफ सुरभि यू नीड नॉट लेमेंट एनी लॉन्गर। देर इज नो नीड टू फियर दिस लो क्लास शूद्र एंड ओ मदर काउ एज लॉन्ग एज आई एम लिविंग एज द रूलर एंड सबड्यूअर ऑफ ऑल एनवियस मैन देर इज नो कॉज फॉर यू टू क्राई। एवरीथिंग विल बी गुड फॉर यू। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज ये जो धर्म बैल है और धरती गाय के रूप में है उनको आश्वासन दे रहे हैं अभी आपको शोक करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको शोक करने की ज़रूरत नहीं है, अभी डर लगने के लिए ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक मैं हूँ, जब तक मैं राजा के रूप में हूँ तब तक आप लोगों को कुछ कष्ट नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी गुड फॉर यू। माँ रोदीर अम्ब भद्रम ते, जब तक मैं हूँ तब तक आपके लिए कुशल मंगल ही होगा और मैं आपकी रक्षा करूँगा। परपोर्ट। प्रोटेक्शन ऑफ बुल्स एंड काउज एंड ऑल अदर एनिमल्स कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन देर इज अ स्टेट रूल्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव हेड लाइक महाराज परीक्षित। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ओनली शब्द यूज कर रहे हैं। गाय और बैल और बाकी पशुओं की रक्षा कब होगी? जब परीक्षित जैसा राजा रहेंगे तभी संभव है। कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन द स्टेट इज रूल्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव हेड लाइक महाराज परीक्षित। तो जब तक महाराज परीक्षित जैसे राजा नहीं रहेंगे, नेता नहीं रहेंगे जिनका ट्रेनिंग हुआ है, ट्रेनिंग किसमें? क्षत्रिय रूप से भी निडर हैं, रक्षा करने के लिए तैयार हैं और शास्त्रों से भी उनका ट्रेनिंग हुआ है, भगवान के महान भक्त हैं। जब तक ऐसे व्यक्ति नहीं रहेंगे तब तक गाय बैल और बाकी पशु की रक्षा नहीं होगा। महाराज परीक्षित एड्रेसेस द काउ एज मदर फॉर इज कल्चर्ड ट्वाइस बॉर्न क्षत्रिय किंग। तो ये शब्दों में से ही पता चलता है कि परीक्षित का ट्रेनिंग क्या है। जब भगवान राम पहले बार हनुमान जी को मिलते हैं हम्पी में, किष्किंधा में, तो हनुमान जी के बातचीत से ही राम को समझ में आता है कि इसको बात करना आता है, सुसंस्कृत व्यक्ति है।
क्योंकि बात करने से ढंग से शब्दों के प्रयोग से समझ में आता है कि कितना संस्कृति है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज गाय को बुलाते हुए बोलते हैं माँ रोधिर अम्ब भद्रम ते, बोलते हैं हे माँ आप कष्ट मत करो। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि परीक्षित जब गाय को माँ बुलाते हैं उसी समय परीक्षित का संस्कृति क्या है, कौन से परिवार से आ रहे हैं, कैसा उनका ट्रेनिंग हुआ है वो समझ में आता है। सुरभि इज द नेम ऑफ काउस विच एग्जिस्ट इन द स्पिरिचुअल प्लैनेट्स एंड आर एस्पेशली रियर्ड बाय लॉर्ड श्री कृष्णा हिमसेल्फ। तो यहाँ पे सुरभि करके वर्णन आता है। तो सुरभि एक गाय है स्पेशली जो भगवान के धाम में है, गोलोक वृंदावन में। तो भगवान जब ये धरती पे आते हैं तभी भी ग्वाला के रूप में आते हैं और गाय चराते हैं, और भगवान वृंदावन में क्या करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जैसे ऑक्यूपेशन होता है ना, हर एक व्यक्ति का नाम, एड्रेस, माता पिता का नाम, ऑक्यूपेशन। तो भगवान का नाम क्या है, कृष्ण। भगवान के माता पिता का नाम नंद यशोदा। भगवान कहाँ रहते हैं, रेजिडेंस गोलोक वृंदावन, और ऑक्यूपेशन क्या है, गाय और बैल चराते हैं बस। सुरभि अभिपाल यंतम, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता पर बोलते हैं भगवान क्या करते हैं आध्यात्मिक जगत में, गाय चराते हैं निरंतर रूप से। एज मेन आर मेड आफ्टर द फॉर्म एंड फीचर्स ऑफ द सुरभि ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, सो ऑल्सो द काउज आर मेड आफ्टर द फॉर्म एंड फीचर्स ऑफ द सुरभि काउज इन द स्पिरिचुअल किंगडम। तो जैसे हम सब मनुष्य, क्योंकि भगवान का रूप है मनुष्य की तरह, इसलिए भगवान हमको भी ये रूप देते हैं। मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, बाइबल में वर्णन आता है कि मनुष्य हम सब भगवान के रूप के जैसा हमारा रूप है, भगवान का भी मनुष्य का रूप है इसलिए हमको मनुष्य का रूप मिलता है। और क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सुरभि गाय है इसलिए भौतिक जगत में भी सुरभि गाय जैसे रूप है, यहाँ पे भी गाय है। इन द मटीरियल वर्ल्ड द ह्यूमन सोसाइटी गिव्स ऑल प्रोटेक्शन टू द ह्यूमन बीइंग, बट देर इज नो लॉ टू प्रोटेक्ट द डिसेंडेंट्स ऑफ द सुरभि हु कैन गिव ऑल प्रोटेक्शन टू मेन बाय सप्लाइंग द मिरेकल फूड मिल्क। तो ये भौतिक दुनिया में अलग अलग लॉज है, नियम है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें क्या है मनुष्य की रक्षा होती है, पर प्राणियों की रक्षा का कुछ लॉ नहीं है, स्पेशली गायों का। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे संस्कृति है, जिस राज्य में संस्कृति है वहाँ पे ये लॉ होता है कि गाय की रक्षा होनी ही चाहिए, दैट इज द लॉ। बट महाराज परीक्षित एंड द पांडवर्स वर फुल्ली कॉन्शियस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द कव एंड बुल एंड दे वर प्रिपेयर्ड टू पनिश द कव किलर विथ ऑल चैस्टाइजमेंट इंक्लूडिंग डेथ। पर परीक्षित महाराज और पांडव, इनका ट्रेनिंग हुआ है वैदिक संस्कृति में, इसलिए उनको पता है क्षत्रिय का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, मनुष्य की रक्षा करना और गाय और बैल की रक्षा करना, उनको महत्व पता है गाय और बैल का। इसलिए जो लोग गाय और बैल को कष्ट देते हैं, मारने के लिए तैयार हैं, इनको दंड देने के लिए परीक्षित और पांडव तैयार रहते हैं। हालांकि उनका हृदय बहुत कोमल है, पर अगर गाय और बैल को कोई कष्ट देगा उनको दंड देने के लिए, यहाँ तक कि मृत्यु दंड देने के लिए तैयार है। देर आर समटाइम्स बीन एजिटेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कव, बट फॉर वॉन्ट ऑफ पायस एग्जीक्यूटिव हेड्स एंड सुटेबल लॉज द कव एंड बुल आर नॉट गिवन प्रोटेक्शन। तो भारत में अभी भी चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं, संस्था है जो बहुत संघर्ष करते हैं गाय की रक्षा करने के लिए, गाय को कत्ल खाने से बचाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। पर जब तक गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं रहेगा, जब तक गवर्नमेंट लॉ नहीं लाएगा, तब तक कितना करेंगे। अल्टीमेटली गाय और बैल की हत्या हो ही जाती है। द ह्यूमन सोसाइटी शुड रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द काउ एंड द बुल एंड थस गिव ऑल प्रोटेक्शन टू दीज इम्पोर्टेंट एनिमल्स फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ महाराज परीक्षित। तो इसलिए मनुष्य समाज को समझना चाहिए गाय और बैल का महत्व। गाय और बैल का महत्व सिर्फ आध्यात्मिक रूप से नहीं, भौतिक रूप से भी है, भौतिक रूप से, मानसिक रूप से, हर एक रूप से गाय और बैल की रक्षा करने से समाज में कल्याण होता है। तो इसलिए परीक्षित महाराज के पदचिन्हों पर चलना चाहिए। भागवतम पढ़ने से नेताओं को भी समझ में आता है कैसा चलना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने उस जमाने में इंदिरा गांधी को बोला था पार्लियामेंट में शुरू करने से पहले भागवतम क्लास होना चाहिए,
सब नेताओं को भागवतम पढ़ना चाहिए, इससे उनको समझ में आएगा क्षत्रिय कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए। फॉर प्रोटेक्टिंग द काउज एंड ब्राह्मणिकल कल्चर द लॉर्ड हु इज वेरी काइंड टू द काउज एंड ब्राह्मणास गो ब्राह्मण हिताय च विल बी प्लीज्ड विद अस एंड विल बेस्टो अपॉन अस रियल पीस। तो गाय की रक्षा करके और ब्राह्मणों की रक्षा करके, ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करके भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। गो ब्राह्मण हिताय च, तो भगवान को संतुष्ट करने का तरीका है गायों की रक्षा करो, ब्राह्मणों की रक्षा करो और वैदिक संस्कृति को बचाओ। तो ये करने से और भगवान खुश हो गया, मतलब ये दुनिया में सिर्फ कुशल मंगल नहीं होगा, शांति सुख सब प्राप्त होगा। टेक्स्ट 10 and 11, यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास त्रस्यन्ते साध्वी असोध्वी तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायु भगो गति एष राजं परो धर्मो हि आर्तानां आर्तिनिर्गह अत एनं वदिष्यामि भूतद्रुहं असत्ममम। तो यहाँ पे परीक्षित बताते हैं, अगर कोई राज्य में गाय और बैल की रक्षा नहीं हो रही है, मासूम पशुओं की हत्या हो रही है, तो वो राज्य का, वो देश का क्या हाल होगा। ट्रांसलेशन, ओ चेस्ट वन द किंग्स गुड नेम ड्यूरेशन ऑफ लाइफ एंड गुड रीबर्थ वैनिश फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग बींग्स व्हेन ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग बींग्स आर टेरिफाइड बाय द मिस्क्रियंस इन हिज किंगडम। It is certainly the prime duty of the king to subdue first the suffering of those who suffer. Therefore, I must kill this most wretched man because he is violent against all living beings. तो परीक्षित बता रहे हैं कि जो राजा मासूम प्रजा की, मासूम प्राणियों की रक्षा नहीं करता और जो राज्य में पशु हमेशा भयभीत रहते हैं, वो राजा का नाम खराब हो जाएगा, उसका आयु घट जाएगा और उसको अच्छा गति नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पे बताते हैं कीर्ति आयु भगो गति, उसका भाग्य कम हो जाएगा, आयु कम हो जाएगा, कीर्ति कम हो जाएगा और उसका गति भी नष्ट हो जाएगा। कब? जब तक उसके राज्य में कोई दुखी है और राजा उनके दुख का निवारण करने का प्रयास नहीं करता, ऐसा राजा का कुछ गति नहीं है। इसलिए परीक्षित बोलते हैं, मैं ये कली को दंड दे के ही रहूँगा क्योंकि वो हिंसा से पशुओं, जो मासूम पशु हैं उनकी, उनको कष्ट दे रहा है। परपोट, वेन देर इज सम डिस्टर्बेंस कॉज बाई वाइल्ड एनिमल्स इन अ विलेज और टाउन द पुलिस और अदर्स टेक एक्शन टू किल देम। तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कभी गाँव में शेर घुस जाता है कि नहीं, जंगल के पास गांव है तो शेर आ जाता है या चीता आ जाता है, तब क्या होता है, पुलिस आके ये शेर को ढूंढ के मार देता है। क्यों नहीं मारेंगे, तो बहुत सारे मासूम गायों को, मनुष्यों को खा लेगा। सिमिलरली इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू किल एट वंस ऑल मैड सोशल एलिमेंट्स सच एज थीव्स डकॉइट्स एंड मर्डरर्स। तो इसलिए गवर्नमेंट का ड्यूटी क्या है, जो बैड सोशल एलिमेंट्स, तो समाज के लिए हिंसाकारी व्यक्ति है, तो समाज के लिए अधर्मिक कार्य करते हैं, जो चोर हैं, डकैत हैं, खूनी हैं, इनको तुरंत दंड देना चाहिए, मृत्यु दंड तुरंत देना चाहिए। अगर तुरंत दंड नहीं देंगे तो क्या होगा, ऐसा जो अधर्मिक कार्य है वो बढ़ता जाएगा। अगर रूलर स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा तो क्या होगा, अधर्मिक कार्य बढ़ता जाएगा। द सेम पनिशमेंट इज ऑल्सो ड्यू टू एनिमल किलर्स बिकॉज द एनिमल्स ऑफ द स्टेट आर ऑल्सो प्रजा। तो जैसे कोई किसी मनुष्य को मारता है तो उसका दंड क्या है, फांसी पर चढ़ाते हैं उसको, मृत्यु दंड मिलता है। तो वैसे ही जो पशुओं की भी हत्या करते हैं उसको दंड, मृत्यु दंड मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि पशु भी राज्य के प्रजा है, उनका भी हक है जीने का। प्रजा मीन्स वन हु हैज टेकन बर्थ इन द स्टेट
एंड दिस इंक्लूड्स बोथ मेन एंड एनिमल्स. प्रजा, जा का मतलब है जो जन्म होता है, जो वही धरती से सबका जन्म होता है, उन सबका नाम प्रजा है. तो मनुष्य का भी जन्म वही धरती से होता है और पशु का भी जन्म वही धरती से होता है. इसलिए हरेक का हक है, राइट्स. मनुष्य हम राइट्स मांगते हैं ना, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो वो राइट्स पशुओं को भी है. एनी लिविंग बीइंग हु टेक्स बर्थ इन अ स्टेट हैज द प्राइमरी राइट टू लिव अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अ किंग. तो कोई भी पशु या प्राणी हो जो राज्य में जन्म लेता है, तो राजा का कर्तव्य है, गवर्नमेंट का कर्तव्य है उसकी रक्षा करना. तो रामायण में कहानी आती है, राम जी जब दरबार लेते थे, उनका रूल था कि कोई भी आके घंटी बजा के सीधा राम को कंप्लेन कर सकता था. तो एक बार एक कुत्ता घुस जाता है सीधा राम के दरबार में और आके राम को अपना कंप्लेन बोलता है. क्यों? क्योंकि राम सही में राजा थे तो हर एक पशु को भी संतुष्ट करते थे. द जंगल एनिमल्स आर ऑल्सो सब्जेक्ट ऑफ द किंग एंड दे ऑल्सो हैव अ राइट टू लिव. जैसे आजकल रूल्स हैं, कोई भी शेर की शिकार नहीं कर सकता, इनडेंजर्ड स्पीशीज. तो ये सब एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स की रक्षा होती है क्योंकि लोगों को समझ में आता है इनकी संख्या घट रही है. पर वैसे ही गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि बाकी पशुओं की भी रक्षा करना. सो वॉट टू स्पीक ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक द काउज एंड बुल्स. अगर शेर की रक्षा कर रहे हैं पर और हम गाय और बैल की रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो क्या फायदा? कौन सा प्राणी ज्यादा फायदेमंद है, गाय बैल या शेर? गाय और बैल का ज्यादा फायदा है. तो जितना हम प्रेम शेर से करते हैं, जितना प्रेम कुत्तों से करते हैं, उतना ही प्रेम, उससे ज्यादा प्रेम हमको गाय और बैल से करना चाहिए. एनी लिविंग बींग इफ इट टेरिफाइज अदर लिविंग बींग्स इज द मोस्ट रेचिड सब्जेक्ट एंड द किंग शुड एट वंस किल सच डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स. तो कोई भी मनुष्य है दूसरे पशुओं को या दूसरे मनुष्यों को कष्ट देता है, उनको डराता है, तो किंग ऐसे मनुष्यों को, ऐसे दुष्ट व्यक्ति को दंड देना चाहिए. एज द वाइल्ड एनिमल्स स्किल्ड व्हेन इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंसेस, सिमिलरली एनी मैन हु अननेसेसरली किल्स और टेरिफाइज द जंगल एनिमल्स और अदर एनिमल्स मस्ट बी पनिश्ड एट वंस. तो जैसे कुंकार जानवर है, बाकी लोगों को आके, गांव में आके तंग करता है, दूसरों को डराता है, दूसरों को बिना कारण का मारता है, ऐसे प्राणी की हत्या होती है, उसको मार देना चाहिए. वैसे ही जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरों को मारते हैं बिना कारण का, ऐसे व्यक्ति को दंड देना ही उचित है. बाय द लॉ ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड ऑल लिविंग बीइंग्स इन वॉट एवर शेप दे मे बी are the sons of the Lord and no one has any right to kill another animal unless it is ordered by the codes of natural law. तो जो भी प्राणी है, पशु है, मनुष्य है, हर एक व्यक्ति भगवान का ही पुत्र है. We are all children of God. हर एक व्यक्ति भगवान का पुत्र है, इसलिए हमको भगवान के पुत्रों को मारने का अधिकार नहीं है. जब तक natural law है, अगर एक शेर आके किसी हिरण को मार देता है, उसके लिए उसको दंड नहीं देते क्योंकि शेर का नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मारेगा ही, उसका स्वाभाविक नेचर है. पर मनुष्य आके बिना कारण का दूसरों को कष्ट देता है तो ये उचित नहीं है. द टाइगर कैन किल अ लोअर एनिमल फॉर अ सब्सिस्टेंस बट अ मैन कैन नॉट किल एन एनिमल फॉर अ सब्सिस्टेंस. तो एक शेर भले ही हिरण को खा लेगा जीवित रहने के लिए, पर मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता. दैट इज द लॉ ऑफ गॉड हु हैज क्रिएटेड द लॉ दैट अ लिविंग बींग सब्सिस्ट बाय ईटिंग अनदर लिविंग बींग. तो भगवान का नियम क्या है? जीवो जीवस्य जीवनम, हमने दो अध्याय पहले देखा, नारद मुनि बताते हैं. तो भगवान का नियम क्या है? एक जीव को जीवित रहने के लिए दूसरा जीव पे निर्भर रहना पड़ता है. पर वो मनुष्यों के लिए क्या है? मनुष्यों के लिए जो शाकाहारी सब्जियां हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, उन पे वो जीवित रह सकते हैं. Thus, the vegetarians are also living by eating other living beings. Therefore, the law is that one should live only by eating specific living beings as ordained by the law of God. कोई बोलेगा, अरे मनुष्य जो मनुष्य है वेजिटेरियन में है, वो भी मारते हैं जीव को,
कभी कभी जीव का हत्या होता है, ठीक है, पर जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, पर भगवान के नियम अनुसार। तो भगवान का नियम क्या है? भगवान ने शास्त्रों में क्लियरली बोला है मनुष्यों के लिए खाना क्या है, जो शाकाहारी सब्जियां हैं, अन्न है, धान्य है, दूध है, वो मनुष्यों के लिए खाना है। द इजो उपनिषद डायरेक्ट्स दैट वन शुड लिव बाय द डायरेक्शन ऑफ द लॉर्ड एंड नॉट एट वंस ओन स्वीट विल। तो इजो उपनिषद एक मंत्र बोलता है, क्या है, हमको भगवान के नियम के अनुसार जीना है, खुद का नियम नहीं बनाना है। अ मैन कैन सब्सिस्ट ऑन वेराइटीज ऑफ ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड मिल्क ordained by God, and there is no need of animal food save and except in particular cases. तो भगवान का नियम क्या है? मनुष्य को जिंदा रहना है किस पे? धान्य पे, फल पे, सब्जियां पे और दूध पे, और पशु भी खाना है तो in particular cases। अगर आपके पास कुछ नहीं है खाने के लिए, आप अगर अंटार्कटिका में है, सब बर्फ ही बर्फ है, कुछ पौधा नहीं उगता, तब जीवित रहने के लिए आप खा सकते हैं पशु को। पर अगर सुविधा है, शाकाहारी से आप जिंदा रह सकते हैं, तो पशु को मारने की क्या जरूरत है? द इल्यूजन किंग और एग्जीक्यूटिव हेड इवन तो समटाइम्स एडवर्टाइज्ड एज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड लर्नड स्कॉलर विल अलाउ स्लॉटर हाउसेस इन द स्टेट विदाउट नोइंग दैट टॉर्चरिंग पोअर एनिमल्स क्लियर्स द वे टू हेल फॉर सच फूलिश किंग्स और एग्जीक्यूटिव हेड्स। तो भौतिक दुनिया में, स्पेशली कलयुग में, हर एक व्यक्ति अंधकार में है, तमोगुण में है, क्या सही है क्या गलत है किसी को समझ में नहीं आता। तो कोई नेता रहेगा, महान राजा रहेगा, जो अपने आप को बहुत बड़ा दार्शनिक बोलेगा, बहुत बड़ा स्कॉलर बोलेगा, उसके नाम के सामने डॉक्टर रहेगा, जो भी रहेगा, पर अगर वो कतलखाना खोलता है और पशुओं की हत्या करता है, तो ऐसे राजा को निश्चित रूप से नरक जाना पड़ेगा। The executive head must always be alert to the safety of the prajas, both man and animal, and inquire whether a particular living being is harassed by at any place by another living being. तो जो नेता है, जो राजा है, उसको अलर्ट होना चाहिए, हाँ, उसको सावधान रहना चाहिए हमेशा। किसके लिए सावधान? मेरे राज्य में कुछ गलत हो रहा है क्या? क्योंकि कुछ राज्य में गलत होता है और राज्य में अधर्मिक कार्य होता है, तो उसका फल पूरे राजा और नेता को जाता है। इसलिए ऐसा लगता है कि नेता बनना, राजा बनना आसान है, उसको जो उसके साथ जो सुख सुविधा मिलता है वो सबको अच्छा लगता है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक तरह से नहीं करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। दी हरासिंग लिविंग बींग मस्ट बी एट वंस पुट कॉट एंड पुट टू डेथ एज शोन बाय महाराज परीक्षित। तो जो दूसरों को कष्ट देते हैं, जैसे परीक्षित महाराज कर रहे हैं, उनको तुरंत दंड देना चाहिए। द पीपल्स गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बाय द पीपल शुड नॉट अलाउ किलिंग ऑफ इनोसेंट एनिमल्स बाय द स्वीट विल ऑफ द फूलिश गवर्नमेंट मैन। तो प्रभुपाद बार बार ये बोल रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद, क्योंकि महान व्यक्ति है, वो देख सकते हैं कि ये दुनिया का कष्ट का कारण यही है, जड़ कारण है। हम दूसरे प्राणियों को कष्ट देते हैं, उसके वजह से मनुष्य समाज में कष्ट आ रहा है। इसलिए गवर्नमेंट का कर्तव्य है अपना स्वयं का रूल नहीं बनाना, बट भगवान के नियम को पालन करना। दे मस्ट नो द कोड्स ऑफ गॉड एज मेंशनड इन द रिवील स्क्रिप्चर्स। इसलिए नेताओं को भगवान का नियम का पालन करना चाहिए। उसके लिए पहले उनको भगवान का नियम क्या है वो जानना चाहिए। जब तक भागवत और गीता नहीं पढ़ेंगे, तब तक भगवान का नियम कैसे समझ में आएगा? महाराज परीक्षित कोट्स हियर दैट अकॉर्डिंग टू द कोड्स ऑफ गॉड द इरिस्पॉन्सिबल किंग और स्टेट एग्जीक्यूटिव जियोपर्डाइजेस हिज गुड नेम, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, पावर एंड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेटली इज प्रोग्रेसिव मार्च टू अ बेटर लाइफ एंड सेल्वेशन आफ्टर डेथ। तो परीक्षित महाराज यहाँ पे शास्त्र को कोट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि शास्त्र में लिखा है जो राजा अपना कर्तव्य नहीं करता, दुष्टों की दमन नहीं करता, ऐसे राजा का नाम खराब हो जाएगा, कीर्ति खराब हो जाएगा, आयु घट जाएगा, उसका शक्ति मिट जाएगा और अल्टीमेटली उसको ऊंचा गति की प्राप्ति नहीं होने वाली है। सच फूलिश मैन डू नॉट इवन बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ आवर नेक्स्ट लाइफ। तो आजकल के लोग अपने आप को ज्ञानी बताते हैं, पर उनको अगले जीवन के बारे में विश्वास नहीं है, नो फेथ इन नेक्स्ट लाइफ।
तो प्रभुपाद बोलते थे भारत का इतना ऊंचा संस्कृति है, भारत के एक रिक्शा वाले को भी पता है पाप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगले जन्म में पाप लगेगा, उसको पाप को भुगतने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो रिक्शा वाला गरीब रहेगा पर कर्म के बारे में उसको पता है, तो इसका मतलब क्या है, वो सही में ज्ञानी है। वेल कमेंटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर वर्स वी हैव इन आवर प्रेजेंस द स्टेटमेंट ऑफ अ ग्रेट पॉलिटिशियन हु हैज रिसेंटली डाइड एंड लेफ्ट हिज विल विच डिस्क्लोजेस अ पुअर फंड ऑफ नॉलेज ऑफ द कोड्स ऑफ गॉड मेंशनड बाय महाराज परीक्षित। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद जब ये श्लोक का तात्पर्य लिख रहे हैं, परपोर्ट लिख रहे हैं, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं अभी हमारे स्थिति में 1970s में प्रभुपाद के समय एक पॉलिटिशियन है, एक नेता है जो मर गया और एक विल लिखता है मरने से पहले, कुछ शब्द लिख के जाता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं उससे समझ में आता है कि उसको भगवान के नियम के बारे में कुछ पता नहीं और उससे उसका मूर्खता समझ में आता है। तो वो पॉलिटिशियन नेता क्या लिखता है, द पॉलिटिशियन वॉज सो इग्नोरेंट ऑफ द कोड्स ऑफ गॉड दैट ही राइट्स आई डू नॉट बिलीव इन सच सेरेमनीज एंड टू सबमिट टू देम इवन एज अ मैटर ऑफ फॉर्म वुड बी हिपोक्रेसी एंड एन अटेम्प्ट टू डिल्यूड आवरसेल्व्स एंड अदर्स आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर। तो बोलते हैं ये नेता, बोलते हैं ये जो धार्मिक कार्य है मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है और ये सब धर्म वर्म में हमको समय बिताना नहीं चाहिए। तो ऐसे नेता जिनको भगवान पे विश्वास नहीं है, शास्त्रों पे विश्वास नहीं है, दूसरों को कैसे रक्षा करेंगे। कॉन्ट्रास्टिंग दी स्टेटमेंट्स ऑफ अ ग्रेट पॉलिटिशियन इन द मॉडर्न एज विद दोस ऑफ महाराज परीक्षित वी फाइंड अ वास्ट डिफरेंस। तो महाराज परीक्षित भी नेता है, हाँ राष्ट्र को चला रहे हैं और आजकल के ये नेता है, प्रभुपाद एक कोट लिख रहे हैं नेता का शब्द, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं बहुत फर्क है आज के जो लीडर हैं और उस जमाने के जो लीडर हैं उनमें बहुत फर्क है। महाराज परीक्षित वॉज पायस अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चुरल कोड्स वेयर एज द मॉडर्न पॉलिटिशियन गोज बाय हिज पर्सनल बिलीव एंड सेंटिमेंट्स। तो महाराज परीक्षित भगवान के नियम शास्त्रों के अनुसार शासन करते हैं, शास्त्र है शास्त्र के अनुसार शासन, तो वो सही में क्षत्रिय का शासन है। पर आजकल के नेता स्वयं के सेंटिमेंट्स, उनके खुद के श्रद्धा है, खुद का बिलीफ है। एनी ग्रेट मैन ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड इज आफ्टर ऑल अ कंडीशन सोल। ये दुनिया का आदमी कितना भी महान रहेगा उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रहेगा, डबल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रहेगा, फिर भी बद्ध जीव तो ये अज्ञान के प्रभाव में तो आता ही है। ही इज बाउंड बाय हिज हैंड्स एंड फीट बाय द रोप्स ऑफ मटीरियल नेचर एंड स्टिल द फूलिश कंडीशन सोल थिंग्स ऑफ हिमसेल्फ एज फ्री टू एक्ट बाय हिज व्हिम्सिकल सेंटीमेंट्स। तो ये दुनिया के हर एक व्यक्ति, महान राजा भी रहेगा नेता भी रहेगा, हर एक व्यक्ति बंदा है हाथ और पैर से, ये भौतिक दुनिया के रज्जू से, तीन गुणों से और नियमों से, फिर भी उसको लगता है कि मैं फ्री हूँ, मैं स्वराट हूँ। द कंक्लूजन इज दैट पीपल इन द टाइम ऑफ महाराज परीक्षित वर हैप्पी एंड द एनिमल्स वर गिवन प्रॉपर प्रोटेक्शन बिकॉज द एग्जीक्यूटिव हेड वॉज नॉट विम्सिकल और इग्नोरेंस ऑफ गॉड्स लॉ। तो कंक्लूजन क्या है, सारांश है कि महाराज परीक्षित के समय और पांडव के समय सब प्रजा खुश थे क्योंकि हर एक व्यक्ति जानता था राजा है जो हमारी रक्षा करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा राजा खुद का नियम नहीं निकाला उसने, भगवान के नियम के अनुसार उसने राज्य चलाया। फूलिश फेथलेस क्रिएचर्स ट्राई टू अवॉइड द एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉर्ड एंड प्रोक्लेम देमसेल्व सेक्युलर एट द कॉस्ट ऑफ वैल्यूएबल ह्यूमन लाइफ। जो जो मूर्ख व्यक्ति हैं जिनके पास श्रद्धा नहीं है वो भगवान को निकाल देते हैं हमारे जिंदगी से, बोलते हैं भगवान नहीं चाहिए, हम सब सेक्युलर स्टेट है, भगवान की बातचीत मत करो। हम स्कूल्स में जाके हम बोलते हैं गीता के बारे में बोलना है, बोले नहीं गीता के बारे में कुछ मत बोलो, भगवान के बारे में कुछ शब्द नहीं आना चाहिए, बाकी सब बोलेंगे भगवान के बारे में वर्णन नहीं करेंगे। द ह्यूमन लाइफ इज स्पेशली मेंट फॉर नोइंग द साइंस ऑफ गॉड but foolish creatures especially in this age of kali instead of knowing god scientifically make propaganda against religious belief as well as the existence of god even though they are always bound by the laws of god by the symptoms of birth death old age and disease। to manushya zindagi kiske liye hai, bhagwan ke bare mein vigyan samajhne ke liye, bhagwan ki bhakti karne ke liye, par log kya galte hain, vigyan se science se
हर एक को नास्तिक बना देते हैं। जो छोटा मासूम बच्चा स्कूल में जाता है, वहाँ जाके क्या सिखाया जाता है, भगवान भगवान कुछ नहीं है। हर एक व्यक्ति मासूम बच्चा नास्तिक बन के निकलता है और इस तरह से जन्म मृत्यु के चक्कर में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे छुटकारा पाता नहीं है। इसलिए परीक्षित महाराज हमको सिखा रहे हैं कि कैसे क्षत्रिय को होना चाहिए, कैसे राजा को और नेता को होना चाहिए। तो हम टेक्स्ट 12 से आज शाम को चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।